हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमारी पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो इसीलिए हमने इसका पार्ट टू लेकर आए हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रो देना चाहेंगे आपको इस टॉपिक के बारे में फॉर एग्जांपल आप कल को ऑफिसर बन गए आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा या टेंस हालात संभालने पड़ेंगे उसके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है आपको इंटरपर्सनल स्किल पता होना चाहिए इंटरैक्ट रिएक्ट कैसे करना है तो आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस में पूछे गए थे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वर्बल कम्युनिकेशन इसका आंसर है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं वो बोलते हैं अरे रिटर्न कम्युनिकेशन वर्बल कहाँ से आ गया लेकिन नहीं इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है सी रिटर्न कम्युनिकेशन है वर्बल कम्युनिकेशन आज का हमारा क्वेश्चन नंबर टू है हु एन द मैसेज मैसेज को एन्कोड कौन करता है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सेंडर एन द मैसेज अगर आपको पूछा जाए डी कौन करता है तो रिसीवर डी करता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अक्सर एक एग्जामिनर एग्ज़ाम में पूछता है इसको मार्क इम्पोर्टेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री है से करेक्ट ऑप्शन है आंसर ऑप्शन बी कम्युनिकेशन विद आवर सेल्स फॉर एग्जाम्पल आप खुद से बात कर रहे हो या आप डायरी राइटिंग कर रहे हो जिसमें बस एक पर्सन इन्वॉल्व होता है ये कैटेगरी है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल की आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है द नाउन विच कैनॉट बी सीन ऑन और हर्ड इज कॉल्ड ऐसा नाउन जो आप देख या सुन नहीं सकते हो इसका आंसर है ऑप्शन डी एब्स्ट्रैक्ट नाउन और इसकी एग्जांपल है जॉय या फेयर या डेंजर एक नाउन है आप देख या सुन नहीं सकते हो आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है ए आई डी ए स्टैंड फॉर इसका करेक्ट ऑप्शन है ए डिज़ायर इंटरेस्ट एक्शन अटेंशन और आज का हमारा सिक्स क्वेश्चन है इवेल्युएटिव लिस्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड एवेल्युटिव लिस्टिंग ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटिशियन का कोई स्पीच देख रहे हो या उसको सच मानने लगते हो हाँ भाई जो ये बोल रहा है ये सच बोल रहा है उसी को बोलते हैं इवेल्यूटिव स्पीच आप जजमेंटल बन जाते हो करेक्ट so, ऑप्शन है डी एंड सी सी एन डी है इसका करेक्ट ऑप्शन बी एंड डी नहीं है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा सेवन क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच को और क्या बोला जाता है इनडायरेक्ट स्पीच होता है रिपोर्टेड स्पीच ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एट मार्क दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस के ए एस का पेपर है उस पर भी एक क्वेश्चन आया गया था लेटर ई मेल टेलीफोन आर एग्जाम्पल ऑफ इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ये चैनल का, का काम करता है सेंडर क्या करता है एन कोड करता है और रिसीवर क्या करता है डी कोड करता है ये हमेशा याद रखना आप क्वेश्चन नंबर नाइन डैश इज सेंट टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल इनमें से क्या है जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को भेजा जाता है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सर्कुलर नोटिस भी नहीं है न्यूज़पेपर भी नहीं है या आर्टिकल भी नहीं है आज का क्वेश्चन नंबर टेन है डैश लर्निंग मीन्स लिसनिंग थ्रू कन्वर्सेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है डी डायलॉग फॉर एग्जांपल आप ग्रुप में बैठे हो कोई बंदा कोई डायलॉग बोल रहा है आपको याद हो गया इसी को बोलते हैं डायलॉग लर्निंग मीन्स लर्निंग थ्रू कन्वर्सेशन क्वेश्चन नंबर इलेवन है हेप्टिक इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है सी गेस्टर गेस्टर सबको पता है जो मोबाइल फ़ोन्स में भी हम आजकल गेस्चर्स देते हैं तो ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इंटरपर्सनल स्किल मीन्स ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्क कर लो इंटरपर्सनल स्किल होता है क्या फॉर हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इंटरपर्सनल स्किल आपको ये नहीं पता कि होगा क्या लास्ट में इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कम्युनिकेटिंग विद टू और मोर फॉर एग्जाम्पल आप इंटरव्यू कर रहे हो या इंटरेक्ट कर रहे हो दो या दो से ज्यादा उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल क्वेश्चन नंबर थर्टीन डायलॉग लिस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज डायलॉग लिस्टिंग को और क्या कहा जाता है ऑप्शन बी रिलेशन लिसनिंग है इसका करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हेयरिंग इज ओनली एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इसका करेक्ट आंसर है बी लिसनिंग अब आपको मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा ये क्वेश्चन हेयरिंग और लिसनिंग एक नहीं होता है हमें पहले लगता था हेयरिंग और लिस्निंग एक होता है बहुतों को ऐसा लगता है आज भी लेकिन हेयरिंग होता है जो भी आवाज़ आपके कान में पहुंच रही है आप उसको हेयरिंग बोलते हो फॉर एग्जाम्पल लोग बातें कर रहे हैं गाड़ियों की हॉर्न वगैरह वगैरह हेयरिंग में आता है पर लिस्ंग में वही आता है जो आप सुनना चाहते हो या जो आप सुन रहे हो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी लिस्निंग क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है रीडिंग कंप्रहेंशन मीन टू अंडरस्टैंड डैश टेक्स्ट जब कंप्रहेंशन पढ़ते हैं तो उसका मतलब हम क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं इसका करेक्ट ऑप्शन है सी रिटर्न टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना मीन्स कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन रीडिंग इज ए प्रोसेस रीडिंग किसका प्रोसेस है अभी तक हम पढ़ रहे थे सेंडर एन कोड करता है रीडर डी कोड करता है करेक्ट ऑप्शन है डी डी कोडिंग आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है डैश इंक्लूड टोन ऑफ वॉइस बॉडी लैंग्वेज फेशियल एक्सप्रेशन ये सब है एग्जाम्पल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के करेक्ट ऑप्शन तो ये था हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन आए मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा तो हमारी अगली वीडियो होगी इंडियन फेस्टिवल के बारे में जैसे कि मैंने रिसेंटली देखा जेके एस एक क्वेश्चन इंडियन फेस्टिवल से रिलेटेड ज़रूर पूछ रहा है हम ये याद करेंगे लेकिन विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स में दावे के साथ वो कहता हूँ आप लोग ये कभी नहीं बोलोगे सो थैंक यू आज के लिए इतना ही